नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चंक्स और आलू की सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसके लिए हमने ले लिए हैं 250 ग्राम आलू, ये हमने लिए हैं कच्चे आलू। इनको हमने छील लिया है, अच्छे से वॉश कर छोटे टुकड़ों में काट लेना है इस ढंग से। 100 ग्राम हमने ले लिए हैं सोया चंक्स, इसको भी हमने नमक डालकर पानी में उबाल लिया था और ठंडा होने पर छन्नी में डालकर हल्का हल्का निचोड़ लेना है। 3 प्याज को हमने बारीक काट लिया है, 3 हरी मिर्ची को हमने स्लिट कर लिया है, 3 टमाटर को हमने मिक्सी में पीस लिया है, 8 कलियां लहसुन के लिए उनको हमने बारीक काट लिया है, 1 इंच अदरक को भी हमने बारीक काट लिया है, कुछ लिए हमने खड़े मसाले, 2 तेजपात, 2 सूखी लाल मिर्ची, 1 छोटा टुकड़ा लिया है हमने दालचीनी का, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, इसके साथ ही हमने ले लिया है हरा कटा हुआ धनिया। चलिए एक कुकर ले लेंगे, गैस ऑन कर उसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और उसे गर्म कर लेंगे। ये गर्म हो गया, इसमें डाल देंगे तेजपात, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग और इलायची। इलायची का मुंह खोल के डालें, इसके साथ ही डाल देंगे 1/4 टीस्पून जीरा। इन सबको चला देते हैं थोड़ा सा। अब इसमें डाल देंगे लहसुन, लहसुन का भी कच्चापन दूर तक हमने भुनना है। अब डाल देंगे इसमें प्याज, प्याज को हमने तेज गैस पर गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है चलाते हुए। प्याज बारी हो गई है, गैस को स्लो कर इसमें डाल देंगे अदरक जो बारीक कटा हुआ है, सूखी 2 लाल मिर्चें भी डाल देंगे, इन्हें भी मिक्स कर दें। अब डालेंगे मसाले, नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, ये देगी मिर्ची है, 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी, इन सबको मिक्स कर दें। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर, टमाटर को भी हमने तेज गैस पर भूनना है ऑयल अलग होने तक चलाते हुए। टमाटर हमारे हो गए हैं, अब इसमें डाल देंगे सोया चंक्स, आलू भी डाल देंगे, 1/2 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला, 1/2 टीस्पून डालेंगे कसूरी मेथी, इन सबको मिक्स कर दें। अब स्लिट करी हुई हरी मिर्ची भी डाल देंगे इसमें, अब डालेंगे पानी, पहले 1 ग्लास पानी डालेंगे, इसे मिक्स कर दें। ग्रेवी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, मैं 1 ग्लास पानी और डाल रही हूँ, टोटल 2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। तेज गैस पर इसको एक उबाल आने देंगे। ये उबाला आ गया, अब इसमें ढक्कन लगाकर तेज गैस पर हम 2 विसल दिलाएंगे और कुकर को ठंडा करके खोलेंगे। कुकर ठंडा हो गया है, अब सब्जी को हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम आलू चेक कर लेंगे, गल गए हैं, आलू गल गए हैं। अब इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर, इसे मिक्स कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया, ये सब्जी बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है इस तरीके से। आप इसको जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके बताएं आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।